खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि मूर्ति तोड़ने का चलन चल पड़ा है, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। कोई भी विकास को लेकर बात करने को तैयार नहीं है, धर्म जाति के आधार पर बयानबाजी हो रही है और इसी के इर्द गिर्द देश की राजनीति हमारी जो है वो घूम रही है। इसे बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एके मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एके मिश्रा जी, किस तरफ हमारे देश की राजनीति जा रही है? आज मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और साथ ही धर्म और जाति के नाम पर बयानबाजी हो रही है। ये आसिफ, आपने बहुत सही कहा, ये केवल और केवल अगर देखा जाए ना तो ये वोट बैंक की राजनीति है। मैं आपको कुछ बड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी जो है स्टेटमेंट या सिस्टम मैं बताने वाला हूँ। मार्क्सवादी पार्टियाँ जो हो गई, कम्युनिज्म जो हो गया, एक तरफ तो वो बोलते हैं कि जी हम मूर्ति पूजा या किसी धर्म में बिलीव नहीं करते हैं। उनकी जो मूर्ति लेनिन की टूटी, मैं सही है या गलत है मैं इसको तो नहीं कुछ इस पर बोलना चाहूँगा, लेकिन जब आप धर्म या मूर्ति पूजा में आप जब बिलीव नहीं करते हो तो आप सरकार में आते ही सब जगह मूर्तियाँ क्यों बनवाना शुरू कर देते हो? अभी देखिए, एक गवर्नमेंट चेंज होगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो अपना जो पर्सनल एजेंडा होता है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो चाहे जाति से रिलेटेड हो, सब जगह इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगी। एक खास किस्म की मूर्तियां बनवाना शुरू कर देंगी, बसों को रेड जो है पेंट करना शुरू कर देंगी या ब्लू कलर में पेंट करना शुरू कर देगी। प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है जब कोई भी राजनीतिक दल जब वो सिलेक्टिव हो जाता है किसी आइडियोलॉजी को लेके, तो ये प्रॉब्लम आती है। वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ता में आते ही उनसे पूछना चाहिए कि आप इतने सिलेक्टिव क्यों हो गए। प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है जब कोई भी राजनीतिक दल जब वो सिलेक्टिव हो जाता है किसी आइडियोलॉजी को लेके, तो ये प्रॉब्लम आती है। वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ता में आते ही उनसे पूछना चाहिए कि आप इतने सिलेक्टिव क्यों हो गए। क्या वोट को लेकर ये देखा जाता है कि हमारा किस जाति का वोट है और उसको फिर नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। सेम चीज तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों सत्ता में आते ही जो चुनाव इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे बोलते हैं कि भाई हमें सबकी बात करनी है, हम ये करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री या उनकी सरकार बनती है, मुख्यमंत्री पद पे आसीन होते हैं, उनकी सारी आइडियोलॉजी, सारा एजेंडा एक सिलेक्टिव हो जाता है, समाज के एक वर्ग विशेष को लेके हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा होगा, आप सिलेक्टिव हो जाओगे, तो समाज का जो दूसरा वर्ग है उनके अंदर आक्रोश या रोष आएगा। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टियां सत्ता में आने के बाद आप देखो तो बहुत सिलेक्टिव हो जाती हैं अपने एजेंडे को लेके, किसी न किसी पैरामीटर पे वो चूजी हो जाती हैं और ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये एक चलन सा बन गया है कि योजनाओं का नाम बदलना, शहर का नाम बदलना, और अब तो जो महान हस्तियां थी उनके नाम के आगे भी कुछ ना कुछ लगा रहे हैं। नहीं देखिए आसिफ, मैं बताऊं, जो महान हस्तियां होती हैं अगर आप उनका होलसम पर्सनालिटी की एनालिसिस करिए, नाम बोलता है। नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि जो महान हस्तियां होती हैं, भाई मैं बोलता हूं महात्मा गांधी जी हैं, आप उनको महात्मा गांधी बोलिए या मोहनदास करमचंद गांधी बोल दीजिए या इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कुछ और डिफरेंट तरीके से आप बोल दीजिए, उनकी जो पहचान बनती है वो उनके काम से बोलती है। मैं बोलता हूं कि देखिए, आप अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद भी अपना नाम या धर्म बदला है। मायावती कह रही कि राम जी बनाने की कोशिश है ये अंबेडकर साहब को, तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या होना चाहिए? क्या पेटेंट करा लिया है क्या किसी ने? क्वेश्चन ये है कि राज कहना कि दलितों नहीं, 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 का आप ध्यान नहीं दे रही दलितों के ऊपर। नहीं, मैं बोलता हूँ मायावती जी जब थी, देखिए दलितों का नहीं ध्यान भटकाने का नहीं, कौन सी, मैं तो बोलता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा पॉलिटिक्स करती हैं, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने ध्यान दिया होता, ये किसी का ध्यान भटकाने का काम नहीं कर रही है, ये केवल वोटरों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अम्बेडकर साहब भी काफी परेशान थे दलितों की, जिस तरह से अनदेखी होती थी, उन्होंने जो है इसीलिए बौद्ध धर्म अपनाया और उन्होंने एक शपथ पत्र दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं शपथ लेता हूँ किसी भी मूर्ति की मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं शपथ लेता हूँ इंडियन की पूजा नहीं करूंगा। तो अब क्वेश्चन यही हो गया कि जब बाबा साहब अम्बेडकर, मैंने बोला कि नाम और इन सब चीजों से जो महान हस्तियां हैं बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह, उनको नाम और इन सब चीजों से, प्रतिमाओं और मूर्तियों से, उनके काम के ऊपर वो उस सीमा को लांघ गए होते हैं। जब बाबा, आप खुद बोल रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि मैं कभी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करूंगा, तो मैं बोलता हूँ कि फिर मूर्ति को लेकर इतना हुआ क्यों खड़ा कर रहे हो? काम आप कहीं कर नहीं रहे हो, आप काम के ऊपर अगर इतना फाइट कर लो, विकास के ऊपर, किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री ने कभी ये नहीं बोला कि ये रोड पे गड्ढा पड़ा हुआ है, हम इसके लिए अनशन देंगे, वो करेंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, पूरे पब्लिक को उसी में एंगेज कर लेते हैं, फिर ये दंगे के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉलिटिशियंस की अपनी पॉलिसी है, ये स्वार्थ से भरी हुई पॉलिटिक्स है कि जब हम जीतेंगे तो जी पूरे टाउन को। महान हस्ती की अगर
मूर्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो समाज के लोगों को या उससे जुड़े लोगों को दिक्कत होगी, बुरा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इस तोड़ा क्यों जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं कि किसी मूर्ति को तोड़ा जाए, लेकिन क्वेश्चन ये है, आप इसके ओरिजिन में जाइए। अगर मूर्ति को तोड़ना गुनाह है, मैं मानता हूं गुनाह है, तो जब कोई एक गवर्नमेंट आती है तो क्यों सारी योजनाओं का नाम जो आपने अभी बोला अपने एक सिलेक्टिव आदमियों के ऊपर करना शुरू करेगी, क्यों सब जगह एक ही चीज की मूर्ति बनना शुरू हो जाएगी। देखिए, जब आप समाज में सत्तासीन होते हैं ना, तो समाज के हर छोटे से छोटे तबके की जिम्मेदारी आपकी होती है। आप एक सिलेक्टिव जगह पे मूर्ति का उद्घाटन करने जाएंगे, लेकिन दूसरे समाज में अगर भेदभाव की एक नजीर है, भेदभाव की एक नजीर है, पॉलिटिशियंस यही करते हैं। सवाल है, चलिए बाद में पूछूंगा। एक मिश्रा जी, अब सवाल यह है कि इस तरह की राजनीति करने से देश का या लोगों का क्या भला होगा? नाम बदलने से विकास नहीं होगा, विकास करने से ही विकास होगा। नहीं देखिए आसिफ, मैं आपको बताना चाहूँ, एक बार सत्ता में आ जाने के बाद जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको किसी तरह की सुख सुविधा की कमी तो होती नहीं है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि 5 साल में 70-80% इनका टाइम केवल पॉलिटिक्स में अपने आप को बचाने में और अपोजिशन की जो है अपोजिशन के ऊपर आरोप लगाने में चला जाता है, लड़ने और झगड़ने में। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ठीक है विकास सब ने किया, लेकिन 100% अगर कंसंट्रेट होकर इन्होंने विकास किया होता तो शायद हम भी चाइना अमेरिका वगैरह से आगे रहे होते। ये सारी की सारी चीज़ें केवल एक पॉलिटिकल स्टंट होती हैं जिसमें पक्ष विपक्ष कहीं ना कहीं किसी तरीके से मिला होता। आप ये देखिए, 1 महीने का आप टाइम टेन्योर ले लीजिए, कितनी बार आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और कितनी बार विकास की बातें होती हैं। लॉजिकल कोई भी पार्टी विकास, जबकि चाहिए इनको कि डेली बेसिस पे ये विकास की बात करें, हेल्दी बातें करें, कंट्री के डेवलपमेंट और ग्रोथ की बातें करें, लेकिन इस तरह की बातें कभी होती ही नहीं, ना पक्ष करेगा ना विपक्ष करेगा, और जाकर के मामला यहीं अटक जाएगा कि कहीं कुछ हो गया जी, कहीं कुछ हो गया। फिर विकास कैसे होगा जब धर्म के नाम पर बात होगी, चर्चा होगी, जात के नाम पर होगी, मूर्ति के नाम पर होगी, नामकरण के नाम पर होगी, तो फिर विकास की बात कौन करेगा? आरोप भी उसी पर लगेंगे, प्रत्यारोप भी वही होगा। आप देख लीजिए हम कर रहे हैं, अब कैसे कर रहे हैं सुन लीजिए। 6.5 करोड़ जनता को हमने LPG गैस दिया, ये पिछली सरकार भी दे सकती थी, लेकिन बड़े लोगों से सब्सिडी लेके निवेदन करके हमने जनता के बीच में दिया। दर्शक साहब, मैं आपकी आप बात रखना, अभी दर्शक साहब एक हमारे कह रहे थे कि इंश्योरेंस के लिए मैं चक्कर काट रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट दे दिए और मुझे लोन नहीं मिल पा रहा है, नीरव मोदी को मिल गया। आप पहले मेरी बात पूरी कर लीजिए, मैं नीरव मोदी का भी दूंगा, विजय माल्या, मैं विजय माल्या का भी दे दूंगा साथ साथ। बाद में आपके मन में ये आएगा कि भाई उनके बारे में हमने नहीं पूछा। अब आप देख लीजिए, हमने जनधन योजना खाते खोले, इसमें कोई अमीरों का तो नहीं था, वही दलित, वही गरीब, वही मजदूर जो पिछड़े हुए थे, हमने 20-21 करोड़ ये खाते खुलवाए। हमने बेटी बचाओ बेटी आंदोलन किया। हमने देखो जगह जगह पे सड़कों का निर्माण हो रहा है, तरह तरह की बातें हो रही। अब हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हेल्थ बीमा दिया अभी। अब मैं आपको रोकूंगा, आपको बुरा लगेगा, अब आपको बुरा लगेगा, मैं सड़कों के नाम से क्या आगे सवाल नहीं, मैं चाहता हूँ उस जितनी बात नहीं, बुरा नहीं, नहीं मुझे देखिए, आप सड़कों की बात, मैं आप अपनी बात, मेरे सवाल के साथ आपने सड़कों की बात की ना, सवाल की बात, सड़कों आपने कहा था गड्ढा मुक्त हम सड़क कर देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर ये नामकरण की बात ना हो, अगर मूर्तियां ना टूटें और धर्म और जात के नाम पर ना हो, तो शायद गड्ढा मुक्त अब तक हो चुकी होती उत्तर प्रदेश, हो चुका होता। देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही पूछा, ये बात तो मैं आपको कह रहा हूँ जब से, कहाँ गड्ढा मुक्त, क्योंकि ये देखिए जो गड्ढा मुक्ति हम लोग करने पर निकले हैं और जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े गड्ढे खोदे हैं वो तो चाहते ही नहीं ना कि ये काम करें, ये तो जगह जगह बैठ के धर्म के नाम पे, इसके नाम पे, दलित के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं और कई किसी मुद्दे पे सरकार को घेरना चाहते हैं, उनको उलझाए रखना चाहते हैं। ये बात तो मैं कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये बनने के बाद ही, जब अब 2 चुनाव हो रहे थे फूलपुर और गोरखपुर में, उस समय आपको देखा कई जगह मूर्तियाँ तोड़ी गई, आज कहाँ गए वो लोग? ये इस समय मूर्ति किसने तोड़ी? आपको सब पता है, मैं पता, हमें तो कुछ नहीं पता, किस कितनों को सजा कह दिया सरकार आपकी, प्रशासन आपके, मैंने तो कह दिया। आप मुझे बता दीजिए ना कि जो सहारनपुर में दंगा हुआ था और जो लोग बीजेपी को आरोप लगा रहे थे, बाद में क्या निकला? वही कांग्रेस के इमरान, बाकी सजा दिलाना आपका काम था, आपकी सरकार है। अगर आप कह रहे हैं फूलपुर और यहाँ पर अगर मूर्तियों को नुकसान पहुँचाया गया, आपको लाना चाहिए सामने, हमें बदनाम करते मूर्ति आप तोड़ते, लाइए आप सामने। आप ये बता दीजिए, जो भीम सेना के जो अध्यक्ष हैं, रावण क्या नाम है उनका, उसको हमने सुनिए, हमने जब उनको गिरफ्तार कराया था तो मायावती जी वहाँ पहुँची थी,
और सारी पार्टी के लोग पहुंचे थे और ये दिखाने के लिए थे कि हम गलत हैं। दरअसल है क्या, सच तो यही है कि जो लोग दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं अपने ही दलितों की मूर्ति वही लोग तोड़वाते हैं और नाम भारतीय जनता पार्टी के करते हैं। ये हम सबको सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। चलिए, आरोप लगता है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया जाता है ताकि बीजेपी सवालों के घेरे में आ जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ, केवल एक चमत्कारिक पार्टी एक ऐसी है भारतीय जनता पार्टी कि सारी पार्टियां मिलकर एक पार्टी के पीछे पड़ी है और उसको उसके खिलाफ साजिश भी करती है, झूठी मूर्तियां भी तोड़वाती हैं, राम का नाम भी हम ही लेते होंगे, कसम भी हम भी खाते हैं, रथ यात्रा भी हम निकालते हैं, टाट में रामलला बैठे हैं वो भी हमने बैठा रखे हैं। आप बताइए दिल्ली के अंदर, नहीं दिल्ली में केंद्र में इनकी सरकार है, आप बताइए ना, और यूपी में सरकार है, अब क्या तकलीफ है? 5,000 करोड़ रुपए का ये भवन बना के बैठे, ठीक है, राम भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है ना, राम कांग्रेस के भी है, आप मुझे बताइए ना, रामलला टाट में बैठे हैं। अच्छा, सारी दुनिया कॉन्स्पिरेसी बीजेपी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करती है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करते, सारी कॉन्स्पिरेसी करने वाली पार्टी और जमात का नाम आरएसएस है। जनाब, कांग्रेस तैयार है क्या राम जन्मभूमि मनाने के लिए? पूछिए बीजेपी के खिलाफ भाई, ये राम बिल्कुल करना चाहिए, वो तो मामला कोर्ट, ये तो बीजेपी का मामला कोर्ट नहीं चाहिए, नहीं कोर्ट डिसाइड करे और वो बने, क्या दिक्कत है? आपने इतना पैसा इकट्ठा किया था, कहां है वो पैसा? शिलादान लिया था, कहां है पैसा वो? मैं पूछना चाहता हूं, मामला कोर्ट है, बीजेपी का पैसा कहां है? मैं आपको बताता हूं, राम मंदिर पे सारी पार्टियों का, एक मिनट सुनिए, उधर मत ले जाइए, हम बात दूसरी फिर दिशा में, वो मामला कोर्ट का जब फैसला आएगा उसके बाद करेंगे। अब बीजेपी या फिर कांग्रेस एक बात कहते कि हमें बदनाम करने के लिए सब कुछ कहा करा जा रहा है, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। नहीं देखिए, क्वेश्चन ये नहीं है आसिफ, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सरकार है तो आपकी ये अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दंगे ना हो, ऐसी अप्रिय घटनाएं ना हो, तो आप इसको क्यों नहीं रोक पाते हैं? अगर आप पावर में हैं और यही चीज आप बोल के आए थे कि हम सुशासन स्थापित करेंगे, हम दंगे नहीं होने देंगे, हम अप्रिय घटनाएं नहीं होने देंगे, तो आप अगर शासन में हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप रोकिए उसके लिए विपक्ष। देखिए, शरारती तत्व जो है, मैं ऐसे लोगों को शरारती तत्व बोलता हूँ, वो अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे, उनको जो है मोटिवेशनल फैक्टर या इंडिकेशंस कहीं से भी मिल सकते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी दे सकती है या उनके खुद के दिमाग में ये चीजें आ सकती हैं शरारत करने के लिए, तो आप इसको नहीं रोक पाते हैं तो ये आपकी विफलता है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको और इसका जवाब ले लूं, आप रोक नहीं पा रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है जिसकी सरकार होती है, लेकिन बिहार में जब से गठबंधन हुआ और बढ़ गया, रोकना तो दूर की बात। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी सरकार, देखिए उत्तर प्रदेश में भी कई बार ऐसी चीज़ें हुई, वहाँ सरकार तुरंत तत्पर होकर रोकी, यहाँ तक कि जो DG वगैरह सब जाके बैठे, लेकिन शरारत तत्व तो सामने होके आते नहीं ना, ये तो रात को जाके मूर्तियों को तोड़ते हैं और उनके जो लोग तोड़वाते हैं वही लोग उनका प्रोटेस्ट करने बचाने, कार्रवाई नहीं होती ना, सवाल फिर नहीं है, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं होती। बिहार में कई नेताओं के बच्चों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। आप जी सरस्वत जी की बात कर रहे हैं, वो कोर्ट में सरेंडर भी कर चुके हैं, आप एक बार जाइए वहाँ, और उन्होंने कहा, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, आप बीजेपी को अपराधी कहाँ बना देते हैं? सरस्वत जी का मामला है, जो अश्विनी चौबे जी के बेटा है, मैं जानता हूँ आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उनका अपराध क्या है? अगर उन्होंने भारत माता की जय बोला, वंदे मातरम जय बोला, गलत बोला क्या? हमने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं बोला, हमने पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोला, भारत मुर्दाबाद नहीं बोला। अगर वंदे मातरम बोलना, भारत माता की जय बोलना अगर अपराध है तो आप एक बार नहीं 10 बार के सवाल इस भी बोलेंगे। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि गठबंधन के बाद से वहां पर दंगे फसाद बढ़ गए, नहीं ये तो आप सोच लीजिए ना, जब भारतीय जनता पार्टी, सुनिए भारतीय जनता पार्टी की वहां पे 10-12 साल तक सरकार रही, हम और नीतीश जी रहे तब भी नहीं बढ़ा, अभी भी पिछली बार जब RJD वाले ये रहे, ये RJD के अलग होने के बाद और कांग्रेस के अलग होने के बाद ही क्यों हो रहे हैं? ये आप सोचिए, ये यही लोग करा रहे हैं, सरकार में आपके जुड़ने के बाद नहीं हो रहे, सरकार में आपके जुड़ने, नहीं सरकार की जिम्मेदारी तो आपकी है उसको रोकना, नहीं नहीं ये कर रहे हो, ये क्या सोच रहे हैं, ये कार्रवाई बिल्कुल रोक रहे हैं, बिल्कुल रोक रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी केवल ये नहीं होती है कि आप ये बोल दो कि वो विपक्षी पार्टी करा रही है, आपके पास पुलिस है, आपके पास पावर है, आप क्यों नहीं एक्शन लेते हो, क्यों इन चीजों की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है, केवल ये बोल के कि जी ये विपक्षी पार्टी का खेल है, वो हार गए हैं इसलिए करा रहे हैं और जनता पिस रही है, निरीह लोग, निर्दोष लोग दंगों में मारे जाते हैं, नेता लोग नहीं मारे जाते हैं, बड़े आराम से नेता लोग ये बोल देते हैं कि जी ये तो विपक्षी पार्टी का खेल है, वो लोग हार गए हैं इसलिए करवा रहे हैं। सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, पॉलिटिक्स और इन सब चीजों से ऊपर उठ करके जहां पे एक जन सामान्य की बात आती है,
अभी ये बीजेपी वाले भाई साहब बोल रहे थे कि हमने 6.5 करोड़ जो है गैस सिलेंडर जो है बंटवाए हैं। अब आप जरा इसकी भी देखो, 100 करोड़ की आबादी में आपने 6.5 करोड़ गैस सिलेंडर दे दिए, तो पूरे हिंदुस्तान का विकास हो गया, सारी महिलाओं का विकास हो गया। चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से जितने होर्डिंग्स थे, प्रमोशन थे, पता नहीं अभी ये गैस सिलेंडर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और भी गैस सिलेंडर के बाद फिर गैस की जरूरत भी पड़ती है, डेवलपमेंट उसके एक बार की नहीं, फिर गैस की जरूरत भी पड़ती है, कहां से पैसा, जितना नहीं जितना डेवलपमेंट हो। मैं ये मेरे कहने का मतलब ये है, आपने जितना वायदा किया, आप कांग्रेस के हिसाब से अपने आप को मत देखो ना। आप हर बार ये बोल देते हो कि जी कंपैरिजन कांग्रेस से करते हो, मैं मानता हूँ कांग्रेस बुरी थी, कांग्रेस ने इतना किया, आपने तो बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे और प्रॉमिसेस कमिटमेंट किए थे। आपने जो कमिटमेंट किए थे उसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप इस पैरामीटर पे देखिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दिया गया, मगर आप समझिए कि ये जो भारत देश है इसके अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इनके अंदर एक लिमिटेड रिसोर्सेज में आपने काम करना है। हर समाज के लिए लिमिटेड है, मैं आपको अरे कोई लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इंडिया में इतने रिच रिसोर्सेज हैं कि इतने रिच रिसोर्सेज कहीं। मैं आपको एक टीवी पे मैंने बोला था, डाटा आप देखिए, आज इंडिया की इकोनॉमी 2.83 ट्रिलियन हुई है और अमेरिका की 19 पॉइंट समथिंग है। 1947 से जितने भी घपले हुए हैं अगर उनकी सारे पैसों को आप जोड़ लीजिए तो 20 ट्रिलियन का जो है ये घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। तो हम कहाँ से गरीब है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज का कब्जा कुछ इन्फ्लुएंशियल जो लेवल के लोग हैं, जो नेता हो गए, इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो गए, सारा सिस्टम केवल उन्हीं के लिए वर्क करता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, लुटियन जोन में कोई क्राइम हो जाए तो तुरंत पुलिस पहुंचती है, बाकी और कहीं जगह पे कोई मरता रहे तो ना कभी पुलिस पहुंचेगी ना एम्बुलेंस पहुंचेगी। सारा सिस्टम का जो केंद्रीकरण केवल एक इन्फ्लुएंशियल लोगों के इर्द गिर्द हो गया है, उन्हीं के लोगों को डेवलप करेंगे, उन्हीं के एरिया को डेवलप करेंगे, पब्लिक कोई भी हो। मैं केवल दलित की बात नहीं करता हूँ, जो जहाँ पे है आप किसी भी वर्ग के जाइए, जिनकी जो स्थिति थी वही स्थिति रह गई 70 साल में। स्पीड ऑफ ग्रोथ देखिए, यहाँ क्वेश्चन ग्रोथ का नहीं है। मैं फिर बोलूंगा, इतने होशियारी से सारी पॉलिटिकल पार्टियां पूरे पब्लिक को जो है गुमराह करती हैं। बीजेपी बोल देगी कि जी कांग्रेस ने 10 किलोमीटर सड़क बनवाई, हम 10.25 किलोमीटर की स्पीड से सड़क बनवा रहे हैं। अरे इतना रिसोर्सेज होते हुए जो आपने कमिट किया था, और अगर इंडिया को ग्लोबल पावर बनाना है तो स्पीड ऑफ ग्रोथ जो करंट है क्या वो सफिशियंट है, ये सोचने की बात है। हम पूछे कि कहां कहां कमी रहे, जो पहले लगातार चीजें आई हुई है, कहां से हुआ है। यहां पर देश के बेरोजगार किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, सामने चीजें आ रही है, कांग्रेस की सरकार में भी हुआ है, कांग्रेस ने कौन सा काम कर दिया। जब दलितों की बात होती है, दलितों पिछड़ों की बात होती है कि उनको लेकर सरकारें काम नहीं कर रही हैं, जब भी बात होगी तो सीधे फिर सवाल आपके ऊपर भी जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपने यहाँ पर राज किया, संतुलन बनाने में आप भी नाकाम हुए। एक बात कहूंगा कि हमेशा जो लोग सरकार के अंदर है सवाल उनसे किया जाता है। अब हम यही बताते रहे कि इन लोगों ने काम नहीं किया, अरे भैया हमने काम नहीं किया, जनता ने हमें वोट नहीं दिया, हम बाहर आ गए। देखिए दलितों को लेकर वोट बैंक की राजनीति तो खुद खूब हुई है, ऐसा नहीं है कि सबका विकास हो हुआ है, उनका विकास नहीं होता। इच्छा शक्ति की यहाँ सरकारों को कमी थी, उनको सिर्फ चुनाव के वक्त याद आई। आज मायावती भी अगर पीसी कर रही हैं, शायद वो अगर सत्ता में होती तो पीसी नहीं करती है। नहीं आसिफ देखिए, सारा लब्बो लुआब अगर आप रूट कॉज देखें प्रॉब्लम का क्या है और सारी पॉलिटिकल पार्टियों का देखें, पहला रूट कॉज ये है कि ये पूरे 5 साल केवल आपस में झगड़ा करना, आरोप लगाना, एक दूसरे को दोषी साबित करने में ही इनकी पूरी की पूरी टीम का जो टाइम है वो चला जाता है। दूसरा ये है कि इफेक्टिव डिलीवरी मैकेनिज्म जो एक गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो अभी तक इंडिया में नहीं आ पाया है। जरूरत जो है कंट्री की और जो कंट्री में रिसोर्सेज है उनके मिसमैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कोई भी हो बड़े आराम से बोल देते हैं कि जी रिसोर्सेज नहीं है, उन्होंने ऐसा, अरे अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप पास्ट की सरकारों को, ठीक है पास्ट की सरकार ने नहीं किया, मैं किसी भी सरकार की बात कर रहा हूँ, आप आए हो, आप सेंसिटिव हो, तो आप ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कीजिए कि जहाँ पे डिलीवरी सिस्टम इंप्रूव हो, एक एक पैसे का जो है मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। ये चीज हो नहीं रहा है, सिस्टम कोई डेवलप कर नहीं रहा है, बस केवल ये है कि जहां पे भी हम कहीं फेल होंगे, जी उन्होंने किया, उस पार्टी ने किया, और जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं। मैं बोलता हूं गवर्नमेंट अगर मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाती है और ऐसा सिस्टम डिलीवर नहीं कर पाती है ग्रोथ के मामले पे, तो मैं बोलता हूं कि अगर इंडिया को ग्लोबल पावर बनाना है तो वो सपना भी हमें देखना छोड़ देना चाहिए। आपस में ही ऐसे उलझते रहिए, जब भी आप फेल हो गए तो अपने अपोजिशन के ऊपर डाल दीजिए। राजनेताओं के पास, पॉलिटिकल पार्टियों के पास अधिकार तो सारे हैं, दायित्व तो कोई नहीं ये लोग लेते हैं, कर्तव्य कुछ नहीं लेते हैं, सारे पावर अथॉरिटी ये अपने कलम के पास अपनी जेब में रखते हैं, लेकिन एक कहीं गलती हो जाए, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद
जब रेल दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने खुद ये दायित्व लेते हुए, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर दिया था। उसके बाद एक भी नेता, आप मुझे बता दीजिए, सपा बसपा कांग्रेस बीएसपी किसी में भी बीजेपी में जिन्होंने अपना दायित्व, उसी की बात हो रही कि सुन लीजिए, बता रहा हूँ, बड़े शौकीन है आप तो उनके वोटों को कैश किया, वरना उनके पिता जगजीवन राम जी थे, कितने बड़े नेता थे, आपने उनका क्या असर किया? आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आपने उनका क्या असर किया? आपने उनका प्राइम मिनिस्टर बनाया? आपने बनाया? आपने राष्ट्रपति बनाया? नहीं बनाया आपने, कुछ नहीं बनाया आपने, बनाया तो डमी बनाया। और जब जब आप मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, आप बताइए मायावती जी को आप खुद उनको बुला के प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? राष्ट्रपति नहीं, प्राइम मिनिस्टर आप बनाएंगे मायावती जी को? मेरे यहाँ पे मायावती जैसे बहुत सारे दलित नेता है, मैं उनको बनाऊंगा, उनको क्यों बनाऊंगा? मायावती को अच्छे नेता ही नहीं मानते, बीजेपी कैसे विरोधी है तो कैसे मान लेंगे? नहीं देखिए मेरा सवाल ये, देखिए हमारे देश में, देखिए हम पिछड़ों के किसानों की और इनकी बात कर रहे हैं, हमारे देश में वास्तव में इनका विकास नहीं हुआ, और उसकी एक ये वजह है कि बस्तियों में जाकर उनके हालचाल देखकर और उन चीज़ों को समझकर कभी योजनाएं नहीं बनी। योजनाएं यहाँ दिल्ली में बैठकर बनी या फिर राज्य की राजधानियों में, वहाँ पर योजनाएं बनी, और योजनाएं बनी भी हैं, अगर जैसी बनी भी वो लागू हुई, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है तो किसका हो रहा है, क्या अधिकारी उठा रहे हैं फायदा, ये बात देखा नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, सारी गवर्नमेंट को आप इंक्लूड कर लीजिए, डेवलपमेंट का मुद्दा और जो प्रोसेस होता है वो अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि योजनाएं इफेक्टिव नहीं बनी है, बहुत सारी योजनाएं बहुत इफेक्टिव थी, लेकिन क्वेश्चन आके यहीं पे जाकर के खत्म होता है कि जो प्रोसेस होता है, जो डिलीवरी मैकेनिज्म होता है, सारी योजनाएं बनने के बाद कुछ जो है टॉप लेवल के ऑफिसर्स, नेताओं के हाथों की कठपुतलियां बन जाती हैं, वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनके घर के बगल का। आप एक टिपिकल एग्जाम्पल देखो देश में क्या होता है, आजम खान साहब जो मंत्री थे सपा सरकार में, उनकी भैंस खो गई, पूरा पुलिस महकमा उनकी भैंस ढूंढने में लग गया। तो पुलिस महकमा आपकी भैंस ढूंढने के लिए है? पुलिस महकमा, पुलिस कोई भी डिपार्टमेंट, वो पब्लिक के काम के लिए है। एक बच्चा खो जाता है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। सवाल ये है कि यहाँ पे सिस्टम जितना हमें डेवलपमेंट चाहिए, जिस इफिशियंसी के साथ गवर्नमेंट को डिलीवर करना चाहिए, वो किसी भी गवर्नमेंट में मुझे इफिशियंसी नहीं दिख रही है। आराम से 5 साल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए ये गुजार देते हैं, सारी सुविधाएं ले लेते हैं, देश का ग्रोथ 6% 7% पे होगा, इनका ग्रोथ 6,000 7,000 100 200, हर इंडिविजुअल नेता का ग्रोथ आप देखिए 100 200 300% के हिसाब से होगा। एके मिश्रा जी, आप राजनीतिक सलाहकार हैं, आप लगातार ये बात कहते रहे कि उपचुनावों में लोकल फैक्टर फर्क डालते हैं, क्या यही बात योगी जी भी कह रहे हैं? अच्छा एके मिश्रा साहब, इन दावों में दम कितना है? स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और एके मिश्रा जी लगातार हमारा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और उन समीकरणों पर हम बात कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर इस जीत को रचा गया है। एके मिश्रा जी, तो वहीं ज्यादा चर्चा के लिए यहाँ पर राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, और हमारे साथ हमारे राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर देखा जाता है हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में एके मिश्रा जी, हमारे राजनीतिक सलाहकार लगातार बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, क्या लगता है अगर पर एके मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं? जी एके मिश्रा जी, यहाँ आप बता रहे थे कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती तो रिजल्ट कुछ और होता। अपनी बात एके मिश्रा, हमारे राजनीतिक सलाहकार लगातार हमारे साथ बने हुए नोएडा स्टूडियो में, ऐसे में हमारे साथ एके मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से, और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा स्टूडियो में आ चुके हैं। मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं आप एके मिश्रा जी, राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले आपसे रिएक्शन जी। एके मिश्रा जी, ये जो इस वक्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हमने बात की दोनों ही पार्टियों से, सभी आश्वस्त हैं, लेकिन परिस्थिति क्या कहती है? अगर आप नितिन अग्रवाल का वोट देखें, अगर आप अनिल सिंह का वोट देखें, और राजा भैया को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही, वो तो हम देख ही रहे हैं। सवाल ये भी है, सीएम से मिलने के बाद जब राजा भैया बाहर आए, उन्होंने कहा कि जो मैंने ट्वीट में कहा था वही मैंने किया भी है। मिश्रा जी, इस पर मैं और हमारे राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा लगातार बने हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा जी हमारे बीच हैं।